बाकी अभी हम आ चुके हैं चांदनी चौक में, एकदम मेन मार्केट में। और मेन मार्केट में भी कपड़े के बाजार जो है यहाँ से एकदम शुरू हो चुकी, पूरी भर भर के यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और बाकी कपड़े यहाँ पे तो एकदम सस्ते सस्ते मिल रहे हैं। अभी आपको प्राइस भी बताएंगे कैसे क्या प्राइस चल रहा है। और बाकी इधर देख लीजिए जीन्स की, फिर ठंड आ गई, स्वेटर की दुकान। और अभी और आगे चलते और आगे देखते क्या कैसा प्राइस रहता है। ये देखो ये बैग की शॉप है, इधर फिर से स्वेटर की, और इधर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, सेल्फी स्टिक इलेक्ट्रॉनिक, इधर स्वेटर। और इधर भाई इनका तो सेल प्राइस फिक्स प्राइस 600 रुपये का दे रहे हैं मोटा स्वेटर। और इधर हाँ टी शर्ट स्वेटर में ही है टी शर्ट, और इधर बैग का है, और इधर लेडीज़ स्वेटर है। और अभी और अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या कैसे रहने वाला है। इधर जींस का फिर से एक शॉप आ गया, और इधर स्वेटर का आ गया, पूरा भाई भर भर के है। इधर भी है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक शॉप आ गया। इधर भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और इधर तो कपड़े की है ही, कपड़े की यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉप है चांदनी चौक में, क्योंकि उसी के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जींस जो कि सस्ते प्रोडक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे 150 रुपये से यहाँ पे जींस शुरू हो जाते हैं। 150 रुपये में आपको एक जींस मिल जाएंगे। शर्ट की है, ऐसा तक रिफर्बिश्ड है। बाकी इधर बैग की भी शॉप है, जो बैग लेते हैं घर वाले कुछ सामान ले जाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। बाकी इधर चश्मे की भी दुकान है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे दाम भी लिखाया गया है, 150 रुपये में दो चश्मे हैं। बाकी चश्मे भी अच्छे हैं चांदनी चौक के। यहाँ पे चूड़ी की भी शॉप है, लेडीज़ चूड़ी, फिर कंगन, ये सब की हो गई। और बाकी इधर खिलौना अमरूद भी मिल रहा है, देख रहे हो चांदनी चौक में आपको सब मिलेंगे। इधर मंदिर है, देखिए शिव जी ऊपर बैठे हुए हैं पहाड़ों पे। और भैया देखिए तो अभी तो मेन मार्केट स्टार्ट हुआ है चांदनी चौक का, जहाँ पे मेन कपड़ों के लिए जो फेमस है लड़कियों के लिए, लहंगे हो गए, फिर सूट हो गए, और इधर साड़ीज़ हो गई, उसके लिए तो अभी स्टार्ट हुआ है। इधर मेंस का कम है और लेडीज़ का ज़्यादा है। बार्गेनिंग चल रही है। इधर पता नहीं कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी पूछते हैं किसी से। इधर लेडीज़ सूट वूट 350 से स्टार्ट हो जाते हैं बढ़िया से चांदनी चौक में। यह देख लो भैया ने जैसे मेरी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू भैया बोलने के लिए। बाकी और आगे चलते क्या कैसा प्राइस रहता है। ये सब 350 से हैं, 350 से स्टार्ट हो जाते हैं, और लेके जाओ 350 से। बाकी यार लड़कों के लिए तो इधर कुछ ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। और सामने पार्क भी है, वो देखिए उधर पार्क भी है, और इधर मार्केट है, बढ़िया सा लुक है। मार्केट करते करते वो भी जाओ तो पार्क में जाओ, घूमे आओ, एक बढ़िया व्यू है यार। ऐसा मार्केट होना चाहिए, मार्केट के सामने पार्क होना चाहिए, ताकि पैसे की कमी हो तो जाओ पार्क में बैठ के सोच लो कि कैसा आपको पैसा मिलेगा। सोचने की क्षमता देता है पार्क भाई, ग्रीन ग्रीन, पेड़ मत काटो पेट लगाओ। और चांदनी चौक में भी आके बहुत लोग बारगेनिंग करते हैं, जो कि प्राइस लो रहता है तब पर भी करते हैं, बाकी उनकी वो कला है बारगेनिंग करके पैसा कम कराने की। और बाकी जहाँ से और बाहर चलते, जहाँ से एकदम होलसेल में माल आ रहे हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा प्राइस रहता है। जैसे भाई लड़कियों के, यार यार लड़के लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? माँ खाओ 1000 रुपए का ना दे तो गाना कौन, नींबू लेमन 25 रुपए का टेप ही हो बढ़िया सा। ये है चांदनी चौक की गलियाँ हैं यहाँ की चांदनी चौक की। भाई इधर सब गोल्डेज की शॉप, ये सब असली है क्या, इतना सब लगा के रखे हैं।
यार सेल सेल दो दो हजार में असली है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखो अभी आपको उस साइड लेके चलते और वहाँ का व्यू दिखाते हैं, बढ़िया सा। बाकी इधर जिधर मैं चल रहा हूँ ना, इधर बस साइकिल अलाउड है, गाड़ी वाड़ी फोर व्हीलर नहीं अलाउड है। ये देखो चांदनी चौक की भीड़, एकदम भर भर के सब खरीदारी कर रहे हैं, एकदम चपक के। बाकी इधर यार लहंगे की बड़ी मस्त शॉप है, जो भी इनका जो प्राइस रहता होगा 500-600 से स्टार्टिंग कर देते हैं। मेरे इनकी इंस्टाग्राम आईडी बताइएगा। लीजिए गर्ल्स और लेडीज़ के लिए ज्वेलरी शॉप हो गई, 50 रुपये से स्टार्टिंग है। और ये देखिए इधर भी बार्गेनिंग बढ़िया चलती है दिल्ली में। यहाँ घूमते हुए मुझे बनारस की गलियों का याद आ गया, क्योंकि बनारस की गलियाँ भी कुछ ऐसी तरीके से हैं जहाँ पे वहाँ पे मार्केट लगते हैं बढ़िया सा। अभी तो मैं चांदनी चौक मार्केट से बाहर निकल गया, क्योंकि भाई बहुत भीड़ है और बारिश भी हो रहा है। तो यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपके मन है, आप करो या ना करो आपके ऊपर है। क्योंकि आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो आप करोगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करोगे। तो मिलते किसी एक नए वीडियो में।